शीत सत्र के तीसरे दिन महाविकास आघाड़ी प्याज के मुद्दों को लेकर आक्रामक दिखाई दी है। प्याज के निर्यात बंदी का निषेध करते हुए प्याज लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं के विधान भवन परिसर में सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने बातचीत की है, आगे डालते एक नजर। को लेकर जो है महाविकास आघाड़ी जो है इस बार तीसरे दिन भी आक्रामक दिखाई दे रही है। आज कांदे के टोकरे लेकर आप दिखे विधानसभा में। बिल्कुल, जो प्याज पे जो निर्यात बंदी सरकार ने ली है ये किसानों के खिलाफ की नीति है, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाया। सरकार ने जो नुकसान हुआ है, जो 4,000 रुपये तक प्याज था वो 1,200 तक 1,300 तक 1,400 तक आया है, इसमें का जो फासला है कीमत का वो सरकार ने उसके लिए कुछ तो मदद करना चाहिए किसानों को। तो हमने देखा कि अंबादास दानवे हमारे साथ है और हमने देखा कि जो है किसानों के मुद्दों को लेकर आज फिर से जो है महाविकास आघाड़ी जो है एक बार आक्रामक होते दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर जो है महाविकास आघाड़ी ने जो मुद्दा उठाया है किसानों का, तो क्या महाविकास आघाड़ी के मुद्दे का आज भी हल होता है या देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।